रियलिटी टीवी के देखने और सुनने वाले मौजूद नाज़रीन को मोहम्मद हसन की जानिब से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ज़िंदगी के अहम मामलों के बारे में, यानी इज़्ज़त माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ ऐसे वाक़ियात और माहौल जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करें। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते और लोगों के कामों में मसरूफ़ रहते। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत करते थे, लेकिन आपकी ख़ास मोहब्बत गरीबों, यतीमों और मस्किनों के लिए वक्फ थी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गलियों में से गुजरा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा वक्त नमाज, कुरान की तलावत और लोगों की मदद में गुजरता था। जिस गली में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। इस बुढ़िया की काफ़ी उम्र थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर गली में से गुजरते देखा करती थी। इस बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अजीबोगरीब हरकत की। जब अल्लाह के प्यारे रसूल गली में से गुजर रहे थे, तो इस बूढ़िया औरत ने अपना सारा कूड़ा इनके ऊपर फेंक दिया। इस अजीबोगरीब हरकत पर अल्लाह के हबीब ने कुछ भी ना कहा और अपने कपड़ों को साफ़ कर चल दिए। दूसरे दिन फिर ही ऐसा हुआ। दूसरे दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो इस औरत ने बिल्कुल फिर वैसे ही किया। कुछ दिन तक ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर चले जाते और अपने कपड़ों को साफ़ करते। अल्लाह के प्यारे हबीब इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो बुढ़िया नज़र ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दरियाफ्त किया। पूछने पर पता चला कि वो बुढ़िया सख्त बीमार है और अपने घर में अकेली पड़ी है। नबी हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के हबीब ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गए। रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये बुढ़िया अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही है। इस बुढ़े ने अभी मदीने वाले ताजदार को देखा ही नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ही बुढ़िया डर गई, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके घर की सफाई की, इसका पानी भरा। इन कामों से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया के पास जाने का फ़ैसला किया। ये बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से बहुत ज़्यादा हैरान हुई। ये बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से पहले ही बहुत मुतासर हो चुकी थी। जब इस बूढ़ी औरत ने हाशिम रसूल आबिना के दूरी यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक को देखा, तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक को देखने के बाद इसकी ज़ुबान से बेख्तियार जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू जारी हो गए और यूँ ये बूढ़ी औरत जन्नत में घर कर गई। एक यहूदी औरत के घर एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा बहुत ही मासूम और सीधा सादा सा था, यानी ये बच्चा खुद भी यहूदी था और इसके माँ बाप भी यहूदी थे। इस यहूदी ने अपने बच्चे को पैसे दिए और बाज़ार से कुछ सौदा लाने को कहा। यह बच्चा बाज़ार की जानिब जा रहा था कि इसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बच्चा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उनके साथ खेलने लगा। ये बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही दिन में इतना मानूस हो गया और आपके साथ खेलता रहा। शाम को ये बच्चा जब घर पहुंचा, तो इसके यहूदी बाप ने इससे पूछा, तू कहां से आया है? इसका बाप बहुत सख्त गुस्से में था। इस यहूदी ने अपने बच्चे से पूछा, सौदा कहां है? तुम इतनी देर कहां लगाकर आए हो? इसका बाप बहुत ज़्यादा सख्त गुस्से में था। इस बच्चे के बाप को पता चला कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल कूद कर सारा दिन गुजार आया है। इस यहूदी ने अपने बच्चे को खूब डांटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से मना फरमाया। लेकिन जब बच्चे के बाप ने इसे खूब डांटने के बाद मना किया, तो ये बच्चा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा उदास हो गया और एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। देखते ही देखते इसकी बीमारी शिद्दत पकड़ने लगी और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई का सदमा इस बच्चे को इतना ज़्यादा लगा कि ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गिनने लगा। इसके यहूदी बाप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने का फ़ैसला किया। इस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते ही कहा, मैं आपके दीन में आने वाला नहीं और ना ही मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है। बहरहाल वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और आपकी याद में तड़प रहा है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जा सकते हैं? ये बात सुनना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से खड़े हुए और कहने लगे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उमर जल्दी करो, उमर उस्मान जल्दी आओ, अली जल्दी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को लेकर उस बच्चे के घर पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की तरफ गए और उसके घर में दाखिल हो गए।
सैयद सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ने इस बच्चे को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीमारी के बायस ये बच्चा हिल भी नहीं पा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर इस बच्चे ने हल्की सी मुस्कराहट दी। जब इस बच्चे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ा, जब यह मुहम्मद रसूलल्लाह पर गया तो उसी लम्हे इसकी रूह कब्ज़ हो गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोए और इस बच्चे को अपने दोनों हाथों पर उठाकर बाहर आ गए। रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बच्चे की कब्र खोदी और इसको खुद कब्र में उतारा। जब आप इसकी तदफीन से फारिग हुए तो सहाबा ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस बच्चे का इस्लाम कबूल करना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसने जन्नत की हूरें इसको दिखाई थी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कब्र पर खड़े होकर इसके बख्शिश की दुआ की और चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।